अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। आज मेरी जो एक्सप्लेनेशन का टॉपिक है अपनी इस वीडियो के अंदर, वो है महमूद गज़नवी के हवाले से। आज मैं आपको बताऊँगी कि महमूद गज़नवी कौन थे, उन्होंने क्या काम सर अंजाम दिए, आज इनके बारे में हिस्ट्री दूँगी इनकी। मगर उससे पहले चाहूँगी व्यूअर्स कि अगर आपको मेरी वीडियोज़ और एक्सप्लेनेशन पसंद हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बैल आइकन को प्रेस करें ताकि जितनी मेरी न्यू वीडियोस हैं मेरे व्यूअर्स को मिल सकें। इसके अलावा आप मुझे स्नैप वीडियो पे भी फॉलो करें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ महमूद गज़नवी। सुल्तान महमूद गज़नवी हमारे पास 998 में पैदा हुए और 1030 ईस्वी में उनकी डेथ हो गई। महमूद गज़नवी हमारे पास अफगानिस्तान के हुक्मरान बने। महमूद गज़नवी ने जो है वो हुक्मरान बनने के बाद जब उनकी उम्र 27 साल हुई तो 27 साल की उम्र में महमूद गज़नवी ने हमारे पास जो है वो एक ऐसी बड़ी सल्तनत कायम की जिसके अंदर वस्ती एशिया, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के बड़े हिस्से शामिल थे। उसके अलावा हमारे पास सुल्तान महमूद गज़नवी एक बहुत अजीम जो है वो जनरल भी थे और उसके साथ साथ उन्होंने पहली मर्तबा, यानी कहा जाता है कि बर सग़ीर में पहली मर्तबा मुसलमानों की जो हुकूमत थी उसकी बुनियाद भी सुल्तान महमूद गज़नवी ने ही रखी थी। हमारे पास जो शाहराए रेशम है जो कि चीन को मग़रिबी हिस्से से, ये मग़रिबी ख़त्ते से जो है वो दुनिया से जोड़ती है, कहा यह जाता है कि ये जो ख़त्ता है ये भी हमारे पास जो है वो महमूद गज़नवी के ख़ानदान से ही होकर गुज़रा है। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी महमूद गज़नवी के हवाले से, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे हिस्ट्री और ज्योग्राफी के चैनल को आगे लेके जाएं। थैंक यू।